हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोइस सर्च लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ से एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आरएस अग्रवाल पार्ट टेंथ लेके आया हूँ। बेटा, मैंने पार्ट नाइन्थ तक पहले ही अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, चिंता मत कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, और मैं आपको अपनी फ्री लाइव क्लासेस के बारे में बताऊंगा अभी बीच में। ठीक, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ फर्स्ट एम एंड फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। बेटा, आपको बोला हुआ है कि कोई एक एपी है जिसके पहले एम और एन टर्म्स का जो सम का रेशियो है ना, सम का रेशियो वो एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर है। तो आपको शो करना है कि उसी एपी के एम्थ और एन्थ टर्म्स का जो रेशियो होता है वो ये होता है। ठीक है, मतलब जो गिवन है वो सम का रेशियो है और जो निकलवा रहा है वो लास्ट टर्म के रेशियो निकलवा रहा है, एन्थ टर्म एम्थ टर्म। क्लियर? तो चलो बच्चों, जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। बेटा, हमें दे रखा है एस एम अपॉन एस एन, एस एम अपॉन एस एन, एम और एन टर्म्स के सम का रेशियो दिया हुआ है। गॉट इट? अच्छा, हमें क्या निकालना है, क्या प्रूव करना है, ये मैं बाद में बता दूंगा, अभी नहीं लिखा है मैंने। ठीक बेटा, एस एम का फॉर्मूला क्या होगा, एम अपॉन टू टू ए प्लस एम माइनस वन इन टू डी एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एस एम का फॉर्मूला लगा लिया है मैंने और ये मैंने एस एन का फॉर्मूला लगा लिया। बेटा, ये टू से टू कट गया, कैंसिल होगा ऐसे, और ये वाले एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा और इस एन से एक ये एन कैंसिल हो जाएगा, होगा ऐसे। आपको भी पता है एम नीचे जाएगा तो कैंसिल करेगा इसको। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया टू ए प्लस एम माइनस वन इन टू डी अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू एम बाई एन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास बच के आया, ये बचा हुआ पार्ट है। अब देखो, इसका अब तो कुछ हो नहीं सकता और तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो बेटा इससे ज्यादा से ज्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही थोड़ा बहुत सॉल्व करके कुछ रिलेशन वगैरह बना सकते हो। तो ठीक है भाई, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फिर। तो एक काम करो, फिलहाल मैं एक स्टेप और यहाँ पे कर लो, फिर बाकी उधर कर दूंगा, एन का करो। चलो, तो बेटा टू ए एन हो जाएगा। बच्चों, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं मैं, एन का इसमें किया टू ए एन, एन का अगर इसमें करूंगा, ध्यान से देखना, एम का पहले डी में होगा एम डी और फिर उसका एन में होगा, तो बेटा ये तीनों टर्म्स क्या बन जाएंगे, एम एन डी। क्या बन जाएंगे? एम एन डी। ध्यान से देखना, माइनस वन इन टू डी माइनस डी, माइनस डी का एन में करूंगा तो माइनस एन डी इज इक्वल टू का इज इक्वल टू। अब बच्चों m का करो, 2 का 2a का m में करेंगे तो 2am। बेटा m का इसमें करो nd है, nd का m में करेंगे तो mnd। और बच्चों माइनस का d, माइनस का d m में करेंगे तो माइनस का md। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, मैंने बकायदा एक एक स्टेप आपको समझाया, लेकिन mnd से mnd वाला पार्ट कट जाएगा, दोनों पॉजिटिव है ना, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो कट जाएगा। बेटा एक काम करो, एक जैसे कौन से दिख रहे हैं, 2am 2an जैसा दिख रहा है, तो इसको इधर ले आओ, यानी कि ये हो गया आपका 2an माइनस का 2am, सही है, ये इधर आके नेगेटिव हो गया, और बेटा ये वाला उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा nd, तो यानी कि इज इक्वल टू nd माइनस md, md क्योंकि माइनस का है। बेटा एक काम करो, 2a कॉमन ले लो, n माइनस एम और n माइनस एम, बच्चों ये कट गया, तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया 2a इज इक्वल टू d, ये एक रिलेशन, चाहे ये कह लो d इज इक्वल टू 2a या 2a इज इक्वल टू d, कुछ भी आप कह सकते हो। अब देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है, वहां से भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से ही कर देता हूं भी ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, आपसे mth और nth टर्म्स का रेशियो प्रूव करवा रहा है। ठीक है, एक मिनट अभी कर रहा हूं मैं, इसे जरा रब कर लूं। हाँ भाई देखिए,
आपसे जो पूछा है, चलो वहां जगह कम है यहीं से कर देता हूं। नाउ आपसे एम्थ और एंथ टर्म्स इसका रेशियो बोला है। बेटा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ठीक। बेटा एक काम करो, आपने जो d की वैल्यू निकाली है ना, d की वैल्यू कितनी निकाली है फर्स्ट इक्वेशन में, 2a निकाली है, उस d की वैल्यू को 2a को यहां पे पुट कर दो बेटा। a प्लस एम माइनस वन इंटू टू ए, यही काम नीचे करो, a प्लस एन माइनस वन इंटू टू ए, ये आपका mth और nth टर्म्स। तो बेटा ये देखो, ध्यान से देखना, a का a रहेगा, प्लस का 2am माइनस का 2a, क्यों 2a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस 2an माइनस का 2a। बेटा 2am तो 2am रहेगा, लेकिन 2a में से a गया तो माइनस का a बचेगा, और यहां पे 2an माइनस का a बचेगा, है ना, माइनस 2a में से a गया तो माइनस का a बचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद दोनों में से a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2m माइनस वन, a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2n माइनस वन। बेटा a से a कट गया, मेरे हिसाब से क्या बचा फाइनली, आगे मुझे लिखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है खास, क्या बचा फिर भी लिख देता हूं, चलो 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, यही तो बचा। और आपसे यही प्रूफ करवा रहा है कि इसके mth और nth टर्म्स का जो रेशियो है वो ये होगा। सभी को समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? आप एक बार आराम से देख लो, कोई चीज आपको आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है बच्चों, मैं जो आपको अपनी फ्री लाइव क्लासेस के बारे में बता रहा, देख लिया आपने, समझ में आ गया होगा, आपको फ्री लाइव क्लासेस के बारे में बता रहा था, वो मैं बता देता हूं, मैं डेली अनअकैडमी पे लाइव क्लास लेता हूं, आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं पीपीटी के थ्रू आपको समझा देता हूं हाउ टू ज्वाइन, कैसे आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके आगे और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, दो मिनट सुन लीजिए बस। हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको जो बता रहा था कि आप कैसे जो है यहां पर मेरी फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा आप प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी जेई टाइप कीजिए, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद रिव्यू कर सकते हैं, और मेरा रेफरल कोड moisture10 डाल के सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी। अपने फोन नंबर को डाल के लॉगिन कर लीजिए, अपनी लैंग्वेज चूज करने के बाद 6th to 12th कैटेगरी को प्रोसीड करेंगे तो आपको सारी लाइव क्लासेस दिखाई देंगी। यहाँ आपसे अनलॉक फ्री प्लान पूछा जाएगा, इसका मतलब ये है कि फ्री में आपको क्लासेस देखनी है, तो ये मेरा रेफरल कोड moisture10 डाल दीजिए, क्लासेस फ्री हो जाएंगी। सेल्फ स्टडी के सेक्शन में भी आप देख सकते हैं, फ्री लाइव क्लासेस पर क्लिक करेंगे तो सारी लाइव अपकमिंग ट्रेंडिंग सारी क्लासेस आपको दिखाई देंगी। ठीक है, कोर्सेज एंड बैचेस में आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको बेस्ट कोर्सेज जो होंगे आप लोगों के लिए, बैचेस जो होंगे वो सारे शो होंगे। वन टाइम सब्सक्रिप्शन लेना है moisture10 रेफरल कोड के साथ, 10% डिस्काउंट मिलेगा, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कितने भी बैचेस। यहाँ पर आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे अपकमिंग लाइव सारे टेस्ट दिखाई देंगे, ऑनगोइंग अपकमिंग कंप्लीटेड, कोई भी आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं सारे सारे। बेटा अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप रेज अ हैंड का ऑप्शन बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्लास के बीच में जैसे ही आप रेज अ हैंड करेंगे तो एडुकेटर आपसे लाइव ऑडियो बिल्कुल बात करेंगे, आपसे आपके डाउट्स को सुनेंगे, प्लस की क्लासेस में आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अपने एडुकेटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का, उनसे बात करने का, उनसे अपने डाउट्स को क्लियर करने का। आस्क अ डाउट का फीचर है, क्लास के बीच में आप कमेंट सेक्शन में चैट बॉक्स में आप अपने डाउट की इमेज जैसे ही सेंड करेंगे, एडुकेटर आपको लाइव उसको तुरंत समझाएंगे, उसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे आस्क अ डाउट का भी फीचर बहुत अच्छा है, 24/7 यहाँ डाउट्स एंड सॉल्यूशंस पे क्लिक करिए, आस्क अ डाउट पे क्लिक करिए, अपना जो डाउट है उसकी इमेज सेंड कर दीजिए, और व्यू सॉल्यूशन में जाके उसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा वीडियो की फॉर्म में डिटेल्ड। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, जो बच्चे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ये बेटा प्लस का है ये आइकॉनिक का है, यहाँ पे व्यू ऑल प्लान्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे 1 महीने 3 महीने 6 महीने 12 महीने सारे प्लान्स दिखाई देंगे। मेरा रेफरल कोड डालना है moisture10 यहाँ पर,
अप्लाई करेंगे तो 10% डिस्काउंट के साथ आपको सारी जो यहाँ पे अमाउंट दिखाएगा। बेटा आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटर और लाइव डाउट सॉल्यूशन और मिलता है। पर्सनल मेंटर मतलब समझ रहे हैं, आपके पर्सनल एडुकेटर, कोई भी डाउट है, कोई भी चीजें हैं, आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, आपकी क्या इंप्रूवमेंट चल रही है, आपको एनालिसिस करेंगे क्या चल रहा है कैसे है, पूरी गाइडेंस रहेगी, मेंटरशिप रहेगी। तो आइकॉनिक बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त है। क्यों आपको अनअकैडमी पेड करना चाहिए, अनअकैडमी के जो है पेड सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? बिकॉज बेटा पेड फीचर्स बहुत हैं, अपने घर से कंफर्ट जोन में कभी भी कितना भी पढ़िए, अनलिमिटेड एक्सेस है, टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं इंडिया के, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर करके दिया जाएगा, मेंटोरशिप मिलती है, 1-to-1 मेंटोरशिप, स्टडी मटेरियल है पीडीएफ की फॉर्म में, प्रैक्टिस टेस्ट है, लाइव टेस्ट है, कितने भी बैच कोर्सेज ज्वाइन करिए नो इशू नो बाउंडेशन, कितने भी बैचेस ज्वाइन करिए वन टाइम सब्सक्रिप्शन के बाद। ये तो बहुत ही जबरदस्त फीचर चल रहा है इस समय, मतलब क्लास 9th में अगर आप हो, सपोज आपने 2 साल का कॉम्बो ले लिया तो मजा ही मजा, 2 साल फाउंडेशन मिल रही है और 4 साल आईआईटी। अब बोले 4 साल कैसे, अरे 9th से ही आप आईआईटी कैटेगरी में एक्सेस कर सकते हो, तो 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल आईआईटी कैटेगरी मिलेगी, 2 साल फाउंडेशन, मतलब 9th और 10th, मजा ही मजा है भाई, 2 साल का कॉम्बो ले लो। लेकिन ये बेटा सिर्फ पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए, फिर ये बंद हो जाएगा। एक्चुअल प्राइस है 75,500, लेकिन इस समय ऑफर चल रहा है 61,774 का, ले लो जल्दी से। और जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ भी सेम प्रोसेस है, अगर 2 साल का कॉम्बो लेते हैं तो 2 साल फाउंडेशन मिलेगा और 4 साल नीट की तैयारी करने का मौका मिलेगा बच्चों, लेकिन ये भी पहले 500 सब्सक्राइबर्स के साथ है। एक्चुअल प्राइस तो 75,500 थी, लेकिन इस समय प्राइस बहुत बढ़िया चल रहा है ऑफर में, 57,576। तो बच्चों मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कैसे आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, प्रोफाइल लिंक दे दिया है, सब कुछ दे रखा है, बस लिंक पर क्लिक करिए, डायरेक्टली आइए, अपनी प्रोफाइल बनाइए और मेरी क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। और जब मन करे प्लस लेने का 2-3 क्लास के बाद, स्पेशल डेमो लेने के बाद में, कि अब हमें प्लस लेना चाहिए, हमें सर से रेगुलर पढ़ना है, डेली पढ़ना है, अपने डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, डीपली पढ़ना है, तो बेटा तुरंत प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए मेरे रेफरल कोड मोहित सर 10 के साथ, 10 मतलब 10% डिस्काउंट, ठीक है? चलिए बच्चों, आई विल वेट फॉर यू, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट। स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। बेटा आपसे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7, सारे 7 के मल्टीपल्स का सम बताना है लाइंग बिटवीन, जो कि 500 और 900 के बीच में आते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको एपी पता होनी चाहिए, उसके बाद ही तो आप सम निकाल पाओगे, और एपी पता होने के बाद भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। भाई कोई सम निकाल रहे हो तो सबसे पहले ये तो मालूम हो कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो बच्चों पहले तो एपी ही बना लो आप, द एपी इज बेटा 500 और 900 के बीच का, मतलब है कि 500 और 900 के बीच में आने चाहिए, ना 500 को लेंगे ना 900 को, बिटवीन का मतलब यही होता है 7 के मल्टीपल्स। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 7 से 500 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, जो कि होता नहीं है, मुझे तो पता है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? मुझे तो मालूम है कि इसमें 54 जो वो 500 जो 4 होता है, 504 वो डिविजिबल होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, 7 से आप डिवाइड करके देखेंगे 500 को, 7 7s are 49, 10 7 1s are 7, बेटा रिमाइंडर बच रहा है 3। देखो एक बात आपको मैं आज बहुत अच्छे समझाता हूँ, जब हमें पीछे लौटना होता है 500 से कम लेना होता तो इस 500 में से 3 को माइनस कर देते तो 497 आएगा, जो कि 7 से डिविजिबल होगा 497। लेकिन जब हमें आगे जाना होता है, मुझे तो आगे जाना है ना, 500 के बाद के नंबर बताने हैं ना, तो बेटा जितनी कमी पड़ती है ना, कमी उतना ऐड कर देते हैं, जैसे बच कितना रहा है 3, और डिविजिबल किससे होना चाहिए 7 से, तो कितना और कम पड़ रहा है, 3 तो चलो बच रहा है, 7 चाहिए ना, 7 और 3 बच रहा है, तो कितने की कमी पड़ रही है 4 की, तो बेटा फिर हम 500 में 4 को ऐड कर देते हैं, आगे जाते हैं तो ऐड करते हैं, पीछे आते हैं तो माइनस करते हैं, तो 500 में 4 ऐड कर देंगे तो 504 हो जाएगा, समझ में आया? और भले आप करके देख लो, 501 नहीं जाएगा, 2 नहीं जाएगा, 503 नहीं जाएगा, 504 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद इसमें 7 जोड़ दो, 511, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 7 जोड़ते चले जाओ, एपी बनती चली आई, 7 के मल्टीपल बोल रहा है ना, है ना, 518 बस बहुत है। अब लास्ट के टर्म की बारी, 900 से छोटा होना चाहिए क्योंकि उसके बीच में बोला है, तो बेटा 900 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1s are 7, 7 2s are 14,
7 8 56, चार बचा। देखो जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, अब ये चार बच रहा है, अब हमें 900 से पीछे लौटना है बैक, तो बेटा अब माइनस करेंगे डिविडेंड में से, 900 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 896। आप करके देख लेना, ये ही नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे करके एपी बनाते हैं। अब बच्चों सबसे पहले ए कितना है 504, डी कितना है 7, लास्ट टर्म कितना है एपी का 896। तो बेटा पहले सम तो बाद में निकलेगा, मैं आपसे कहूं कि इसमें सम निकालो इस एपी का, तो आप क्या कहोगे सर कितने टर्म्स है, पहले ये तो पता चले तभी तो हम सम निकालेंगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो पहले एन निकालेंगे आप, जो कि आपका निकलेगा इस फॉर्मूले से, ए एन की जगह 896, 504, एन माइनस 1 7, बेटा इधर जाएगा माइनस होगा, 6 में से 4 गया तो 2 9 3, 7 से 7 5 35, 7 6 42, बेटा एन की वैल्यू आ गई 57, यानी कि 57 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस एपी के अंदर जिनका आपको सम निकालना है। इसका मतलब क्या है कि 57 टर्म्स का आपको सम निकालना है। चलो फॉर्मूला लगा लो, एस 57 क्या होगा 57 अपॉन 2, लेकिन बेटा इसमें मैं वो नहीं लगाऊंगा 2a + n - 1 × d, ना वो नहीं लगाना, क्यों, फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, तो हम तो वाला लगाए ना a प्लस ए एन वाला, याद है n अपॉन 2 a प्लस ए एन। अरे बोलो याद तो होगा ना, बिल्कुल होगा, आपको मैंने बता रखा है 57 अपॉन 2, बेटा ये आपका 900 और 500 1400, ये कट गया 700, तो मल्टीप्लाई कर लो 7 7 49, 4 7 5 35 39 और 0 0, लीजिए बेटा ये इसका आंसर आ रहा है। यानी कि ऐसे 7 के मल्टीपल जो 500 और 900 के बीच में आते हैं उन सभी का जो सम होता है वो होता है 39,900, सही है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल या विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11, ठीक है। बच्चों जितने भी थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 11 के मल्टीपल्स होते हैं उन सबका सम बताना है। तो बेटा वही सेम थिंग अभी जो क्वेश्चन इससे पहले किया है कि पहले एपी तो बना लो। थ्री डिजिट 100 से चालू होता है, लेकिन क्या 100 11 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल नहीं होता, 99 होता है, 11 9s are 99, है ना, एक ही कमी पड़ रही है, मतलब पीछे लौटेंगे तो। बेटा अभी मैंने क्या तरीका सिखाया था कि 100 को आपने डिवाइड किया, 99 बचा, 99 मतलब आ गया और 1 बचा। अभी मैंने क्या बोला था, जब आगे जाते हैं तो जितने की कमी पड़ती है उतना ऐड कर देते हैं। बेटा 11 से डिविजिबल है, एक आ रहा है, मतलब कितने की कमी पड़ रही है, 10 की कमी पड़ रही है अभी, तभी तो जाके 11 बनेगा। तो बेटा 10 को ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, 100 में 10 को ऐड कर दीजिए 110, ठीक है, फिर 11 ऐड करेंगे 121, अब तो 11 का टर्म्स चलेगा ना, 11 से डिविजिबल है, अब 10 थोड़ी ऐड करेंगे, 11 का डिफरेंस रहेगा 132। ये तो पहला टर्म निकालने के लिए होता है बस। अब पीछे वाले की बारी, जो थ्री डिजिट लास्ट नंबर कौन सा होता है, 999 होता है, 1000, तो 4 डिजिट हो जाता है। बेटा डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिवाइड होगा 11 9s are 99 09, बेटा ये आपका कितना बच रहा है, 9 बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है 9। मैंने क्या बोला था, जब पीछे लौटते हैं तो इसमें से इसे माइनस करते हैं, तो 999 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 990। चलो एपी बन के आ गई, वही बात, सम के लिए आपको पता भी तो होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये तो सारी चीजें हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इससे निकालेंगे, ए एन की जगह 990 110 11, बेटा इधर जाएगा 880 बचेगा, एन माइनस 1 11, कट गया बेटा 80, एक मिनट 880 बचेगा, 980 और 880, हाँ सही है सही है सही है बच्चों, 11 से कितना है 11 से 80, तो बेटा n की वैल्यू आ रही है 81, यानी कि इस एपी में
जो टर्म्स होंगे वो बेटा होंगे 81। अब 81 टर्म्स होंगे मतलब उनका हमें क्या निकालना है, सम। तो बच्चों पहले अगर मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा था, किसी को ऐसा लग रहा है, तो मैं चलिए अब की बार फॉर्मूला भी लिख देता हूं। वैसे मैंने करा रखे हैं, एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बेटा एन कितना है, 81, फर्स्ट टर्म कितना है 110, लास्ट टर्म कितना है 990। कितना आ गया बेटा, 1100 ही तो आ जाएगा, 990 और 10 1100। हाँ 81 इंटू 550 कट जाएगा ना ये 550 टाइम्स, तो बस मल्टीप्लाई कर लो 81 का 55 में 515, 5840, 515 और 5840 बेटा 5544 4455, और ये जीरो अलग आ जाएगा क्योंकि वो मैंने लिया ही नहीं है ना, तो ये आ गया 44550। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यही आंसर है इसका। सभी को क्लियर हुआ कैसे करना था? तो बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे ये जो आज मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, इंपॉर्टेंट भी थे। आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज लाता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं, लाइव सेशंस लूं, और बेल आइकन होती है बेल आइकन को हिट कर लेना। जैसे ही घंटा बजाओगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड किया करूंगा तो सारे घंटे बजा करेंगे, मेरा मतलब है सारे नोटिफिकेशंस आपको आया करेंगे, ठीक है? तो घंटा बजाना बहुत जरूरी है, बजा दीजिएगा बेल आइकन को, यानी कि जो है बेल आइकन को प्रेस करके उसको नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा। और बच्चों जो मैंने आपको फ्री लाइव क्लासेस के बारे में बताया, वो सारी फ्री लाइव क्लासेस आप अटेंड करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली क्लास में पहुंच सकते हैं। प्रोफाइल बनाइए रेफरल कोड मोहित सर 10 लगा करके, आप मेरी क्लासेस में आइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फायदा उठाओ यार, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है सारी चीजें। और इसी के साथ अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शेयर करते रहिए।